कंसेप्ट ऑफ एम्पलीफायर हम समझते हैं। एम्पलीफिकेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है किसी भी वेव के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना, एम्पलीट्यूड इंक्रीज करना वेव का। और मोस्ट ऑफ द केस हम एम्पलीफायर वर्ड यूज करते हैं साउंड एम्पलीफायर के लिए, जो इस टाइम यहां चल रहा है साउंड एम्पलीफायर। क्या इसका कंसेप्ट है कि सबसे पहले माइक्रोफोन से आप अपनी साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ये माइक्रोफोन का स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है नहीं? अब माइक्रोफोन का स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ये माइक्रोफोन आया, माइक्रोफोन के सामने आपने कोई भी साउंड आपने प्रोड्यूस की, ठीक है। तो माइक्रोफोन में एक छोटी सी कॉइल है लगी हुई, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और जब आपने साउंड प्रोड्यूस की माइक के सामने तो वो कॉइल मूव करती है, साउंड के साथ साथ वाइब्रेट करती है। मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेट कर रही है, और जब मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेट कर रही है तो फिर जब माइक के सामने आप बोलते हैं तो माइक में डायफ्राम, माइक का डायफ्राम मूव करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। और ये वाइब्रेशन ऐसे आपने कभी फील भी किए होंगे कब, कि अगर आप एक बैलून को फुलाकर हवा भर के उसको अपने हाथ में ले लें और उसके सामने बोले तो बैलून में आपको वाइब्रेशन साफ साफ फील होंगे कि बैलून वाइब्रेट कर रहा है। तो डायफ्राम वाइब्रेट किया और मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है कॉइल, डायफ्राम से मैग्नेटिक कॉइल जुड़ी हुई, तो वो आपके ईएमएफ इंड्यूस कर दिया। लेकिन साउंड के साथ साथ जैसे वाइब्रेशन होता है डायफ्राम में, वो ईएमएफ कांस्टेंट ईएमएफ नहीं है बल्कि वेरिएबल ईएमएफ है। और वो ईएमएफ क्या हुआ कि आपने एक्चुअली अपनी साउंड वेव को, साउंड को कन्वर्ट कर लिया। किसमें कन्वर्ट कर लिया आपने? इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये इलेक्ट्रिक इंपल्स बना लिया आपने साउंड के। आप सब अच्छी तरह जानते हैं इस तरह की वेव फॉर्म आप देखते हैं कब, जब आप मोबाइल में कोई ऑडियो प्ले करते हैं तो ये वेव बनती हुई दिखाई देती है। ये वेव सही बन रही है, वो ऐसा नहीं कि वो आपको वैसी जबरदस्ती दिखा रखी हो, इसी वेव की फॉर्म में साउंड आपकी चलती है। ये वेव शो करता है करंट के उतार चढ़ाव को शो करता है। कभी ज्यादा होता है करंट, कभी कम होता है, कभी निगेटिव में जाता है, कभी पॉजिटिव में जाता है। जैसे जैसे साउंड का वेरिएशन है वैसे वैसे करंट का वेरिएशन है। लेकिन माइक से प्रोड्यूस होने वाली जो ये वेव्स हैं, माइक से प्रोड्यूस होने वाली ये वेव बहुत 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 वीक वेव्स होती हैं, ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की है, माइक्रो एम्पियर से भी कम के ऑर्डर की होती है। ये वाला छोटा सा माइक है तो बहुत पीको एम्पियर्स में करंट को प्रोड्यूस करता है। और जब आपको साउंड निकालनी है बड़े डायफ्राम से, स्पीकर आपका इतना बड़ा है 8 इंची का, उसमें लगा हुआ 8 इंची का और 4 इंच, 5 इंची कई स्पीकर लगे हुए, तो उस स्पीकर के इतने बड़े डायफ्राम को वाइब्रेट कराने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। स्पीकर में से जब आपका साउंड निकलता है तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं स्पीकर का डायफ्राम वाइब्रेट करता है, आगे का जो कोन है उसका, जो पेपर लगा हुआ है, उसे मूव कराने के लिए, उसे वाइब्रेट कराने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। एक छोटी सी चीज है, इसको वाइब्रेशन कराएंगे आराम से कम एनर्जी से हो जाएगा। एक बड़ा झूला है आपके पास, उसे वाइब्रेट कराने के लिए तो काफी तगड़ी एनर्जी चाहिए आपको। ज्यादा एनर्जी का मतलब ज्यादा करंट चाहिए, स्ट्रांग करंट चाहिए, वहां ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली एम्पियर या इससे भी ऊपर एम्पियर तक में करंट चाहिए। किसमें? जो आपके वो धमा धमा करने वाले डीजे होते हैं उनमें करंट एम्पियर तक में पहुंच जाती है। बड़ा बड़ा उसके अंदर इतने बड़े बड़े स्पीकर्स लगे होते हैं 18-18 इंची के, बहुत बड़ा बड़ा डायफ्राम है उनके वाइब्रेट कराने के लिए, उन्हें झूला झुलाने के लिए डायफ्राम को बहुत स्ट्रांग एनर्जी चाहिए। लेकिन माइक्रोफोन से जो करंट बनी है, डेवलप हुई है, वो फ्यू माइक्रो एम्पियर्स है। क्या
क्या करना पड़ेगा, इसे स्पीकर से पहुंचाने से पहले इसके इंक्रीज करना पड़ेगा, एनलार्ज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखनी कि इसकी वेव फॉर्म न बदले, वेव फॉर्म न बदले। जैसी आवाज माइक के ऊपर इंसिडेंट हुई है ठीक वैसी आवाज आपके स्पीकर से निकले, उसमें कोई चेंज ना हो, वेरिएशन ना पाए। यही प्रोसेस कहलाता है एम्पलीफिकेशन। एम्पलीट्यूड इंक्रीज करना, किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करना विदाउट चेंजिंग इट्स वेव फॉर्म। वेव फॉर्म चेंज ना हो, केवल उसके एम्पलीट्यूड बढ़ जाए, तब हम इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्पलीफिकेशन। अब कैसे किया जाता है, माइक से आपके करंट बनी, साउंड एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिक एनर्जी में, करेक्ट। अब इसे आप एक सर्किट पर लेके जाते हैं, इस सर्किट का नाम एम्पलीफायर, और इस एम्पलीफायर को आप बाहर से क्या देते हैं, बाहर से कहीं से आप इलेक्ट्रिक एनर्जी से प्रोवाइड करते हैं, और ये एम्पलीफायर इस माइक्रोफोन से आने वाले बहुत वीक सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है स्ट्रांग सिग्नल्स में। स्ट्रांग सिग्नल का मतलब जिसका एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज होगा, लार्ज एम्पलीट्यूड। ये छोटे से फ्यू माइक्रो एम्पियर्स में थे और इसने उस एम्पलीट्यूड को बढ़ा करके क्या कर दिया, फ्यू मिली एम्पियर्स में कन्वर्ट कर दिया। और अब इसे आप किसमें भेज देते हैं, इसे आप अपने भेज देते हैं किसमें, स्पीकर में, स्पीकर में भेज दिया आपने, और फिर इस स्पीकर से वही साउंड बाहर निकल कर आती जो साउंड आपके कहां पर आई थी, जो आपने इंसिडेंट कराई थी माइक्रोफोन पर, वही की वही साउंड रही। सिर्फ चेंज किया हुआ, चेंज हुआ कि जो पीक्स इसके फ्यू माइक्रो एम्पियर तक पहुंच रहे थे, जीरो से लेकर के फ्यू माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर तक पहुंच रहा था, वही पीक अब जीरो से लेकर के 100 मिली एम्पियर तक, 200 मिली एम्पियर तक पहुंचने लगेगा। 1000 गुना, 2000 गुना, 10000 गुना इंक्रीज हो गए इसके पीक्स। और जब ये स्ट्रांग करंट हो गई तो ये बड़े डायफ्राम को, बड़े पर्दे को भी वाइब्रेट करा सकती है। जब बड़ा डायफ्राम वाइब्रेट करेगा तो फिर आपके साउंड एनलार्ज हो जानी है। क्लियर है, डायग्राम ड्रॉ कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं। माइक्रोफोन पर साउंड इंसिडेंट हुई, माइक्रोफोन ने क्या काम किया, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस की साउंड माइक्रोफोन ने, इसकी लो एम्पलीट्यूड है, लो एनर्जी सिग्नल है ये। एम्पलीफायर में इसे आपने भेजा बाहर से, इलेक्ट्रिक एनर्जी के एक सोर्स से आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, इस एम्पलीफायर ने एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर दिए, लार्ज एम्पलीट्यूड हो गई, लार्ज एनर्जी हो गई, और स्पीकर ने वापस क्या किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, हाई वॉल्यूम की साउंड एनर्जी। ठीक है, लिखते हैं हम इसे, इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक सिग्नल, इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक सिग्नल विदाउट चेंज इन वेव फॉर्म, विदाउट चेंज इन वेव फॉर्म ऑफ सिग्नल बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी, बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन एंड द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस, एंड द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस यूज्ड टू एम्पलीफाई द सिग्नल इज कॉल्ड एम्पलीफायर। इसको